दो फायर ब्रिगेड आ भी चुकी है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय किचन अदर व्लॉग्स ऑफ डी। आप सबके बड़े हैं थोड़ी कौन तभी जरा सुबह के 9:30 एंड 10 बजे मेरी क्लास है, तो लगभग टाइम पे पहुंच जाएंगे। आधे घंटे का रास्ता है, वैसे वॉक से आधे घंटे का भी पड़ता है, स्ट्रीट कार लूँगा बट ना शिट भाई, इतना ज़्यादा स्टैटिक करंट है ना हमारे घर में, बिल्डिंग में, कैनेडा में स्टैटिक करंट बहुत लगता है। आप किसी चीज़ को छुओ करंट लगता है, कई बार किसी लड़की को छुओ तो भी करंट लगता है, किसी दोस्त को छुओ तो करंट लगता है, और फिर आप उस बहाने पे कह सकते हो कि यार तुझे छू के मुझे करंट लगता है। यहाँ पे स्टैटिक करंट होता है, जैसे हम हर रोज गेट खोलते हैं ना, तो हम तीनों को तीनों को सागर का पता नहीं, पर मेरे को ऋषि भैया को रोज करंट लगता है, उसको गेट पकड़ते ही ऐसे छोड़ना पड़ता है एकदम से, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक करंट बहुत होता है भाई। तो अभी फटाफट से चलते हैं, तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं कॉलेज में, मेरे को लेने आई है रोनिक बेबी। किससे बात कर रही है, दोस्त या दोस्त नहीं? तूने कहा मेरे को साइकिल स्टैंड पे आ, साइकिल स्टैंड कहाँ है? उधर साइकिल पर बोल रहा था, उधर सीधा जा सकते थे। तो इधर से अब क्यों जा रहा है? तू बोल रहा था इधर से आ रहा है, इसलिए इधर आ रहा है। तो शर्म नहीं आई तेरे को मेरे बोलने को? नहीं यार, मेरे को क्यों आना चाहिए सर? सुबह सुबह तू ये पी रहा है, पैसे फूक रहा है, तेरे को शर्म नहीं आ रही? मेरे लिए लाया शर्म नहीं है भाई आजकल के लोगों को, बिल्कुल शर्म नहीं। मैं ही हूँ अच्छा बंदा बस। अभी हमारी मैथ्स की क्लास है, मेरा पहला दिन है मैथ्स की क्लास में, तो चलते हैं। अरे वो पहले वीक में मेरी तबीयत खराब थी ना, तो भाई उस चक्कर में तो चलो चलते हैं अभी क्लास। तो तुम्हारा भाई क्लास लगा के आ चुका है और हम बैठे हैं जस्मिती के साथ। मुझे एक जीवन साथी चाहिए, ढूंढ रहे। मुंह क्यों छुपा रही है? तुझे भी तो पसंद आया था कोई, तो बता रही थी अभी। मुझे कोई मेरे सपनों का राजा कब आएगा तू? ये दिल खड़का जा, कब खड़काएगा तू? ऐसे ही थकेगा ना वो यार, ऐसे मत कर। तो कैसे करूँ, जूम आउट जूम इन? साथ में हमारे बैठे हैं वीटा जी, नहीं अविता, अविता जी। मैंने कंपनी का नाम बना दिया। वो अब कैमरा घूमते ही बाल ऐसे ऐसे कर रही है, पूरे हवा कर रही है पूरी। कैसे कैसे लोग हैं यार, शर्म नहीं आती इनको? मेरे को तो आ जाती है। वैसे मैं भी बेशर्म हूँ जो लाइब्रेरी में बैठ के ब्लॉग बना रहा है। लाइब्रेरी हमारी ऐसी है तो हम क्या ही कर रहे हैं? वैसे सही बात है, लाइब्रेरी ऐसी, लाइब्रेरी में बैठ के सारे बात ही लाइब्रेरी में बैठ के कर रहे हैं। वैसे यार असली लाइब्रेरी पता है वो है जहाँ पे मैकबुक है, मैकबुक के पास सारे जेन्युइन बंदे बैठे प्यार से। ना ना, वो दो बंदे हैं ना, वो अपने इंडिया वाले तो होते कंप्यूटर हैं, इंडिया वाले तो करेंगे। लाइब्रेरी में कैसे वो ऐसे बुक्स होती है, इसमें बुक्स नहीं है ब्रो, ये वो वाली लाइब्रेरी नहीं है। वो वाली लाइब्रेरी है? ये वो वाली नहीं है, ये वो वाली है। क्या हो गया, ये वो वाली है? वो वाली नहीं है, कौन सी वाली है? तो मैं कह रहा हूँ ये वो वाली इन द सेंस कि वो बुक्स वाली लाइब्रेरी नहीं है, ये है स्टडी एरिया वाली लाइब्रेरी जहाँ पे सिर्फ चेयर्स वाली लाइब्रेरी। यहाँ पे सभी जगह चेयर्स ही चेयर्स हैं, यहाँ पे बैठ के ग्रुप में स्टडी करो। ना, ग्रुप, अगर हम ग्रुप में स्टडी करते हैं तो भी ना वो आके कर जाते हैं। तो ग्रुप स्टडी के लिए मेरी माँ रूम बनाए हुए हैं। हाँ तो तू बोल रहा है ये ग्रुप या तू पका मत। देखा, तो गाइस आज का हमारा टॉपिक था कैसे पकाएं, तो आप वो सीख चुके हैं। ऐसे किसी भी इंसान को आज इसका कोई दोस्त नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे आया है पकाने के लिए, मिल गई मैं। शिकार को शिकारी चाहिए किसी भी जंगल में पकाने के लिए। वापस डाल पानी बोतल में जी, मैं तुझे पिलाऊंगी फिर। क्यों, मैं किसी का झूठा पानी नहीं पीता, मेरी माँ के अलावा, मेरी माँ के अलावा नहीं पीता मैं। तो अभी तो मुझे बोल रहा था मेरी माँ। तो तू मेरी माँ। मम्मा मम्मा, $7,000 देना फीस भरनी है। अब मम्मी मेरा बच्चा है ना, तो मेरे को कमा के अविता जी साइड में बैठे बैठे स्टैंड अप कॉमेडी का मजा ले रहे हैं। एंटरटेनमेंट पे एंटरटेनमेंट भाई, कभी कभी मेरे को आज मेरे को देखो, अब चश्मे के बिना मैं लग रहा हूँ हैंडसम, फिर चश्मे के साथ नहीं लग, क्यूट लगता हूँ क्या मैं? कुछ नहीं लगता है, तो चूतिया लगती। अभी मेरे को टू करना पड़ेगा, कर देना ना। कैसी बंदी है यार,
प्यारी है। और बंदा चूहा बच्चे देखते हैं व्लॉग, बच्चे को मोटिवेशन मिल जाएगा गाली किसको दे और कैसे दे ऐसे। ये मेरे व्लॉग बंद करवाई जो डेढ़ घंटा हो गया एक ही वर्ड लेके बैठी है। तीन मिनट क्या हो गया? ओह माय गॉड, तीन मिनट तू मेरे व्लॉग में आई, सोच कितनी वैल्यूएबल हो गई है तू इस जिंदगी में भाई, जो तेरी जिंदगी में कभी वैल्यू नहीं थी। मेरे फ्रेंड की भी एक और व्लॉग चैनल है, उसमें भी मैं हूं। उसमें भी है तू? ओ तो तेरी वैल्यू 3 मिनट से डबल हो गई। मेरी वैल्यू की कीमत ही नहीं है। मेरी वैल्यू की कीमत नहीं, वैल्यू कीमत इक्वल होता है। मैं जा रही हूं बस, इसलिए कहते हैं अमन दत्ते वाले से पंगा नहीं। आजा आजा चल व्लॉग बंद कर दिया, आजा कम बैक। कंटेंट दे रही है मेरे को, वाओ। अभी मैं वेट कर रहा हूँ नौनीत की, वो आएगा मेरे को मैथ पढ़ाएगा, फिर 6 बजे घर जाएंगे। 6 बजे आज मेरा एक नया दोस्त मेरे को मिलने आ रहा है, वो प्रतीक जैन, प्रतीक जैन पता नहीं कौन है प्रतीक। अरे तो ये पता सिंगर कौन है अनुज जैन की तरह ना, एक प्रतीक नाम से मेरे को याद नहीं, प्रतीक वो छोड़ा हैंडसम है, अरे सिंगल, हाँ सिंगल है, हैंडसम है। अब दूसरी प्रायोरिटी से मेरे पास ऐसे ऐसे बंदे जो पीआर है, बोल करम। हाँ मेरे सारे दोस्त पीआर हैं, पर मुझे वो नहीं, पंजाबी नहीं है मेरे, पर मुझे वो पंजाबी लड़का ही चाहिए जिससे मैं प्यार करती हूँ। अंकल आंटी काश ये वीडियो आप तक पहुँच जाए। दिखा दो भाई कौन है वो, दिखा, जिंदगी का मजा आ जाएगा अंकल आंटी, दिखा दो सच्ची में फोन में ना। अंकल आंटी पढ़ नहीं रही है, कोई नहीं देखेगा, नहीं पढ़ रही है, नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा, नहीं पढ़ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? ये कौन कर रहा है? हाँ वैसे मैथ्स पढ़ रही है एक घंटे से। एक घंटा नहीं हुआ है। दो घंटा? ना अच्छा एक मिनट, 15 मिनट से पढ़ रही है। तो अभी मैं रोनित की वेट करता हूँ क्योंकि उसके बाद मेरे को जाना है, मेरे को नहीं पता कहाँ जाना है पर मुझे जाना है इस जिंदगी से दूर। सो गाइस अभी एकदम से कॉलेज से बाहर आना पड़ा, सभी देखो सारे बच्चों को बाहर निकाल दिया, उधर भी बाहर निकालते जा रहे हैं क्योंकि फायर अलार्म बज गया है, कहीं पे आग लग गई है शायद अंदर, तो पूरी की पूरी बिल्डिंग खाली करा दी है अभी, पता नहीं। जश्मी हमारा बैग लेके खड़ी है, हम इधर सब्वे खाने आए थे, हमारा सब्वे भी बीच में आधा ही रह गया। क्या यार देखो, ओ भाई दो फायर ब्रिगेड आ भी गई अब तक, ओ माय गॉड इतनी देर में दो फायर ब्रिगेड आ भी चुकी है, क्या बस खत्म भी हो गई आग नहीं, वो अभी अंदर चेक करने गए होंगे, माइट बी जा सकते हैं अंदर। जश्मी क्यों जलती है तू इतना लोगों से, देख फायर अलार्म बज गया तेरी वजह से। ओ भाई भाई के लिए तेरे को जलन क्यों हो रही है? मेरी माँ देखती है व्लॉग, डराएगी मेरे को। टाओ अबे वो मैं नहीं बात करता हूँ, वो बात करती है कहाँ पे है? चलो टाओ के पास चलते, टाओ से घर हो गया था एंड अभी शाम हो चुकी है और मैंने भाई बालों में आज ऑयलिंग की है, बहुत टाइम हो गया मैंने ऑयलिंग नहीं की थी भाई। आज का सीन सही था कॉलेज में, पूरा ऐसे ही कॉलेज में ये कभी ना कभी ऐसे ऐसे सीन होते रहते हैं तो ये देखने में बड़ा मज़ा आता है। वो मेरे को बाहर ऐसे रखने चाहिए कि जैसे मैं रखता हूँ वैसे रखने चाहिए, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं ऐसे रखने की ट्राई भी करता हूँ तो मेरे बालों में कर्ल आ जाता है, मतलब ज़िंदगी बहुत अजीब है। पहले मेरे को कर्ली बाल चाहिए थे, अब मेरे को स्ट्रेट चाहिए, साले स्ट्रेट नहीं होते, पहले कर्ली चाहिए थे तब कर्ली नहीं होते थे, टाइम लगेगा स्ट्रेट भी कर सकता हूँ बट यू नो देखते हैं। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आगे वीडियोस कैसी आनी चाहिए, क्या आना चाहिए, क्या करना चाहिए, कीप गिविंग सजेशंस ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।